अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त और भाई मेरे ठीक होंगे। आजकल जो बीमारी आई हुई है रानीखेत की, मुर्गे टांगों से बैठ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और मुर्गे जल्दी मर जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, कल आपको चूजे दिखाए थे और उनमें से एक चूजे को बीमारी आ गई थी रानीखेत की, उसके जो टांगे थी वो बैठ गया था और मैं आज स्टोर पे था, इस वजह से उसकी वीडियो नहीं बना सका। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कुछ तस्वीरें जब मैंने खींची हुई थी, वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके टांगों से बैठा हुआ था, उसके मैं आपको बीमारी के बारे में भी बताऊंगा और उसके मैं इलाज के बारे में भी बताऊंगा। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों और दोस्तों से गुजारिश है कि जिनको वीडियो पसंद आए शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना, और जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें ताकि नई से नई वीडियो उनको मिलती रहे। और वीडियो की तरफ चलते हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं मेरे चूजे को, रानीखेत की बीमारी आई हुई थी और ये टांगों से बैठ गया और ये मर गया था। इसका मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ इलाज का। आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने अगर वैक्सीन की है एंटीसोटा की, तो फिर कोई मसला नहीं, आपके जो चूजे होंगे उसको रानीखेत की या कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी। और उसके बाद अगर आपने वैक्सीन नहीं की तो आपके मुर्गे चूज़ों को या मुर्गों को आ गई है, तो आपको मैं बताता हूँ इलाज के बारे में। आपने मेडिकल स्टोर पे चले जाना है और आपने ये मेडिसिन ले लेनी है। आपने ऐसे करना है कि रानीखेत के ड्रॉपर मिलेंगे मेडिकल स्टोर से, उसके बाद आपने व्यान का कैप्सूल और नेरोब्यान का इंजेक्शन एक ले लेना है। ये आपका बड़ा मुर्गा है तो आपने आधा इंजेक्शन शाम को पिला देना है मुर्गे को, और एक कैप्सूल 200 mg का आपने मुर्गे को खिला देना है। उसके बाद जो रानीखेत के ड्राप है आपने उसको आपने पानी में हल करके 10 से 12 कतरे पानी में, जब आप सुबह मुर्गे छोड़ते हो तो उसमें हल करके आपने मुर्गों को पिला देना है। ये उनके लिए नुस्खा है जो टांगों से बैठ जाते हैं, जिनको रानीखेत की बीमारी आ जाए तो टांगों से बैठ जाते हैं, उसके लिए नुस्खा है। मज़ीद आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफ़िज़।